Hi everyone, namaste and welcome to my channel Ruchi's Style Corner. So today is the last day हमारा यहाँ पर, क्यों एक्चुअली हम जाने आज ही वाले थे बट अनफॉर्चुनेटली हमको आज की टिकट्स नहीं मिली क्योंकि हम लोग तत्काल ही कराते हैं और कोई एजेंट के थ्रू नहीं कराते। विक्की खुद बैठ करके टिकट करता है तो आज नहीं मिल पाया। आज ट्रेन निकलती है पूरी फुल थी तो कल की फाइनली आज फिर वो ऑफिस भी लेट गया क्योंकि 10 बजे तत्काल का वो विंडो ओपन होता है। हम कल जा रहे हैं दिन में, सो आज का दिन और है मेरे पास। तो आज अभी मैं जा रही हूँ। आज एक्चुअली मैंने ना वीडियो एडिट किया है अपना, आपने नोटिस किया होगा लास्ट वीडियो में मेरा नया इंट्रो, तो वैसे इस वीडियो में भी आप देख ही लोगे अगर आपने लास्ट वीडियो में नहीं देखा है तो वही बैठ करके मैं इंट्रो वगैरह बना रही थी और फटाफट से मैंने एंड मोमेंट पे लास्ट वीडियो में ऐड तो कर दिया है। और मुझे आज दो व्लॉग्स जो है वो अपलोड पे लगाने हैं। ऑब्वियसली मेरा इंटरनेट नहीं है तो मैं जा रही हूँ निशा के घर पे, वहीं पर लगाऊंगी या तो आंटी के घर पे या वहाँ पर देखती हूँ कहीं पर। वैसे यहाँ पर भी मैं किसी के यहाँ भी लगा सकती हूँ बट मैं एनीवेज जा ही रही हूँ वहाँ पे तो मैं वहीं पर लगा दूंगी ऐसा। उसके लिए आज मैं अपने बालों को फटाफट से ब्लो ड्राई करना है मुझे, क्योंकि आज मुझे शाम को एक शूट भी करना है एंड बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें हैं तो हो नहीं पाएगा, तब शाम को टाइम नहीं मिलेगा मुझे ब्लो ड्राई करने का। तो मैं अभी फटाफट से अपने बालों को ब्लो ड्राई करती हूँ। You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. I dare you to be wilder. Okay guys, so this is what my final looks look like. काफ़ी सही लग रहा है। इस बार मैंने थोड़े बाउंसी वाले वो करे हैं, मतलब आउटर हल्के हल्के से मैंने कर्ल दिए हैं, लूज कर्ल्स दिए हैं, वो भी सही लग रहा है। ये रेडी होती हूँ, वैसे तो मैं रेडी हो गई हूँ बट हल्का सा और थोड़ा फेस पे कॉम्पैक्ट वगैरह लगाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग। सॉरी फॉर वेरी लेट अपडेट। एक्चुअली कल के बाद मैं सीधे आज ब्लॉग कर रही हूँ। मैंने कल दिन में मतलब थोड़ा बिना कैमरे के टाइम स्पेंड करना भी मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बोला यार जब से आई हूँ तब से 2 दिन व्लॉग कर लिया है मैंने, तो मैंने सोचा एक दिन कैमरा फ्री रहते हैं। तो कल मैं शाम को हाँ घूमे फिरे हम लोग, फिर हम लोग ना वहाँ चले गए थे टाटा का कौन सा है मेरे बिल्कुल ज़ूडियो पे अमेजिंग ऑफ चल रहा है। मतलब इतनी सस्ती टी शर्ट्स 149, 200 के टॉप, 200, 300 की ड्रेसेस मिल रही थी। इतना सस्ता मिल रहा था, मतलब आप सोचो 1000 रुपये में आप कम से कम 5 से 6 चीज़ें शॉप कर सकते हो, इतना सस्ता था। तो हम लोग ज़ूडियो चले गए थे, वहाँ से मैंने 2-3 घर में पहनने की टी शर्ट्स ली हैं यहाँ के लिए, मुंबई के लिए। लाइट चली गई है। उसके बाद फिर शाम को हम लोग चले गए थे माटो, मतलब हमारे घर के ना बहुत पास है, बिल्कुल जस्ट बैक साइड में ही है माटो एंड साथ में रिक्कीज़ वाइन करके, वाइन एंड कुछ करके तो भी ओपन हुआ है, नया ही है काफ़ी, तो वहाँ पे हम लोगों ने सोचा था। उसके बाद प्लैनेट हॉलीवुड भी बहुत पास में, मतलब बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। कल हम प्लैनेट हॉलीवुड जाने वाले थे बट फिर मैंने बोला क्योंकि 5 स्टार होटल है वो, तो थोड़ा ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होता है। मैं निशा को बोला मैंने कभी अपन होल्ड करते हैं, इतने भागा दौड़ी में नहीं जाते क्योंकि आज मुझे वापस रिटर्न करना है ना, तो मेरे को पैकिंग वैकिंग और घर को वापस से अगेन समेटना वो सब करना था, तो मैं थक बहुत जाऊँगी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम रिक्कीज़ वाइन में बैठते हैं। तो पहले हम रिक्कीज़ वाइन का हमने वो देखा, पूरा मेन्यू देखा, फिर हम माटो का मेन्यू देख करके आए तो हमको रिक्की ज़्यादा पसंद आया और काफी अफोर्डेबल था। मतलब हम लोग अरोमा बिस्ट्रो में जो खाते हैं ना, जो हम 2 लोग 2000 में खा के आते हैं। हमने पूरा खाना खाया है, 3 स्टार्टर्स, पनीर की सब्जी, रोटी एंड इसका हमने बिल पे किया है ओनली 1100 रुपीज़। तो मुझे ऐसा लगा ये बहुत सस्ता और अफोर्डेबल था। नाइट क्लब भी है, एक बार नाइट क्लब ज़रूर अटेंड करके देखेंगे, फ्राइडे होता है आई गेस। एक तो सबसे पहले इसको वापस से पैक कर दिया है, अब ये पूरा मेस्ड अप है, इसको पूरा क्लीन सॉर्ट करूँगी। सब दिख रहे हो एकदम बिखरा पड़ा हुआ है, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। तो वही पैकिंग वैकिंग चल रही है, अभी कपड़े वगैरह धोए हैं। सबसे चोट की बात ये होगी कि मेरी जो हेल्पर है ना उसके घर में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, सो वो चली गई है, मतलब वो आ नहीं रही है। तो आज मुझे पूरी डस्टिंग वगैरह मैं कर लूँगी, फिर उसके बाद ये जितने भी प्लांट्स हैं इनको वापस से इनकी जगह पर पहुँचाएँगे बाहर। तो बस यही सब चल रहा है। फिर सारे बर्तन वगैरह ये तो खैर मैंने रात में ही क्लीन कर दिए थे और आज ना हमारे क्लोथ्स कपड़े वगैरह धुल रहे हैं, तो ये हम यहीं छोड़ के जाते हैं ऐसे ओपन में, कोई डर नहीं रहता है क्योंकि नेट लगी रहती है। कुछ लोगों ने मेरे से 1-2 बार इसकी लिंक मांगी है जो मैं हैंगर्स यूज़ करती हूँ, वॉल अटैच रहती है। आप गूगल पे, आप अमेजन पे सर्च मारेंगे ना, मैं इनकेस मैं फिर भी लिंक दे दूँगी, बट आप अमेजन पर सर्च मारोगे ना तो आपको ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। तो हमने एक तो किचन के ड्राई एरिया में लगा के रखा है, नेक्स्ट हमने बेडरूम वाले में, मास्टर बेडरूम जो हमने वहाँ पर भी लगाया ना, क्लोथ्स ड्राइंग वॉल हैंगर डालोगे ना तो आपको मिल जाएगा। गाइज, तो आई टुक शावर वगैरह सब कुछ ले लिया है एंड मेरी 3 दिन की क्लेंजिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि कैसे क्लेंजिंग करते हैं, जो थोड़ा ऑरा क्लेंजिंग होता है, होम की क्लेंजिंग होती है। मैं आपको सबसे ईजीएस्ट मेथड बताती हूँ जो आपके घर में सामान अवेलेबल होगा उसी से। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको जो आपके घर में मॉपिंग होती है या आपके घर में जो पोछा लगता है ना, उसमें आप नमक डाल दीजिए, मतलब सेंधा नमक डालना है आपको, सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट डालना है, हिमालयन पिंक सॉल्ट आप डाल सकते हैं। बट मेक श्योर जो सॉल्ट आप डाल रहे हैं ना, वो ऐसे जो भट्ठी होती है ना, क्या बोलते हैं, रॉ फॉर्म में जो आता है, आपको उसको पीस करके डालना है। आप मार्केट से पिसा हुआ मत लेकर के आइएगा, और आपको लगता है कहीं पे मिलता है तो आप वही वाला सॉल्ट यूज़ करिए, उससे आप पोछा लगा लीजिए। आप थर्सडे लगा सकते हैं, ट्यूसडे लगा सकते हैं एंड सैटरडे लगा सकते हैं। दीज आर द 3 डेज जिससे आपको पोछा लगाना है। आपको लगता है आपके घर में बहुत थोड़ा नेगेटिव चीज़ें होती हैं या ये होती है, तो आप कोशिश करिए कि आप इसका रूटीन ही बना लें। दूसरा जो सबसे अच्छा मेथड है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करती हूँ और मैं सबसे ज़्यादा इसी मेथड में बिलीव करती हूँ, वो है आपको गूगल कप लेना है। तो मार्केट में बहुत सारे तरीके के कप्स अवेलेबल हैं, रोज़ कप, तो हल्दी कप, तो चंदन कप, तो ढिमका कप, तो फलाना कप। आपको गूगल कप लेना है। आप नॉर्मली जैसे मैं डेली कप जलाती ही हूँ, मतलब डेली लगाती हूँ, बट जब मुझे स्पेशली क्लेंजिंग करनी होती है तो वैसे नॉर्मल डेज में आप समरानी कप यूज़ कर सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ क्लेंजिंग, स्पेशली जब आप और क्लेंजिंग कर रहे हैं, घर के एटमॉस्फेयर क्लेंजिंग कर रहे हैं, आपको गूगल कप लेना है। दिस इज हाउ अ गूगल कप लुक लाइक। गूगल वो होती है जो हम देवी पे चढ़ाते हैं, जब हवन होता है हम तब यूज़ करते हैं, तो ये प्रॉपर उसका बना है। समरानी कप के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, आजकल इतने समरानी कप्स आने लग गए, कौन सा ओरिजिनल है कौन सा ओरिजिनल नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पर्टिकुलरली आप गूगल कप लीजिएगा। उसको आपको साइड से पहले तो अच्छे से बर्न कर लेना है, और बीच में आपको भीम सैनी कपूर, याद रखिएगा नॉर्मल कपूर नहीं, भीम सैनी कपूर ही आप उसको बीच में रखिए। 2 लौंग रखिए, उसमें थोड़ा सा तेज पत्ता रखिए एंड दालचीनी रखिए। उसके बाद जो उसका जब धुआं आएगा ना, तो आप पूरे घर में अपने कॉर्नर्स में स्पेशली आपको उसको क्या करना है, खाना है। पूरे घर में आपको वो धुआं फैलाना है उसका। तो ऐसा आपको कंटिन्यूसली 3 डेज करना है, आपको फर्क दिखना स्टार्ट होगा। अमावस्या और पूर्णिमा आती है, इन टाइम पे एनर्जी शिफ्ट बहुत हाई होता है, एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, तो कोशिश करिएगा कि पूर्णिमा और अमावस्या में तो आप हमेशा करें ही करें, तो आपका वो रूटीन हो जाएगा। गाइस, अगर आपको लगता है कि आपको नेगेटिविटी स्पेशली दूर करनी है, आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं और आपको लगता है कि थोड़ा सा होता है ना, कभी मेहमान आते हैं, आप यू नेवर नो आपको कौन आपके घर में कैसी वाइब्रेशंस देके चला गया है, तो आप गेस्ट जाने के बाद भी ये कर सकते हैं एंड आप इन मेन डेज पे भी कर सकते हैं, पूर्णिमा हो गया और अमावस्या हो गया। सेकेंड मेथड ये है जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। उसके बाद आते हैं थर्ड मेथड पे। तो आपके घर में जो हैवी फर्नीचर्स होते हैं ना, जो एक ही जगह पर टिके रहते हैं, तो यूजुअली बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फर्नीचर की शिफ्टिंग करते हैं। अगर आप शफलिंग नहीं कर सकते अपने फर्नीचर की, तो स्पेशली ऑन सैटरडे आप क्या करिए, उन भारी फर्नीचर को हल्का सा खसकाइए 5 मिनट के लिए, उसको खसके रहने दीजिए, वहाँ से थोड़ा डस्ट वगैरह है वो भी आपकी क्लीन हो जाएगी और वापस से उसको उस जगह पर करिए। जैसे एनर्जी शिफ्ट कर दी उस जगह की, उस फर्नीचर की आपने एनर्जी, उस एरिया की एनर्जी शिफ्ट कर दी। एनर्जी स्टैग्नेंट है या फंसी हुई है तो थोड़ी एनर्जी निकलेगी। और यूजुअली कोशिश करा करिए आप एक ऐसा दिन बना लीजिए, मैं तो सैटरडे ही बोलूँगी, सैटरडे जनरली इन सब कामों के लिए बेस्ट डे होता है। तो सैटरडेज को आप क्या करा, सैटरडे को आप ये भी कर सकते हो, सैटरडे को आप जो मैंने आपको बताया पूरा शुद्धिकरण वो भी कर सकते हो, पोछा लगा सकते हो एंड मेक श्योर अपने घर को उस टाइम पर 2-3 घंटे के लिए ओपन रखिए, खिड़कियाँ खुली रखिए, मेन गेट ओपन कर दीजिए, ताकि आपके घर की जो एनर्जी फ्लो है वो आराम से बाहर निकले, जो नेगेटिव एनर्जीज है वो बाहर निकले। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो दीज आर द 3-4 मेथड्स जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, जो एक्चुअली में वर्क करते हैं, जिसमें से सेकंड मेथड इज अमेजिंग। होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, ट्राई करके देखिएगा जरूर। अमावस्या और पूर्णिमा को तो जरूर जरूर करिएगा। अब हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो लंच करने के बाद मैं यहाँ पर घर से लेकर के आई थी गाजर का हलवा, वही खा रही हूँ गरम करके, और उसके बाद फिर सारे यूटेंसिल्स मैंने क्लीन कर दिए थे क्योंकि वाइंड अप कर रही हूँ सारी चीज़ें। तो ये जो हम लोग पार्सल के बॉक्स आते हैं ना, या हम जो घर से खाना लेकर के आते हैं, वो सब भी मैं पूरा वॉश वॉश करके लेके जा रही हूँ वापस, बिकॉज मम्मी लोग इसको बहुत संभाल के रखती है। हम लोग जब इधर उधर करते हैं, आना जाना करते हैं ना, तो काफ़ी काम आता है सामान रखने में। तो ये निशा का सामान रिटर्न करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पर गुड़ चिक्की जो है वो डाल दिया है, बिकॉज खाली नहीं देते हैं। Let's go guys. Okay guys, तो मैं आ गई हूँ निशा के घर में एंड एज यूजुअल टार भर के लेके जा रही हूँ, मतलब ये मेरी माँ की कमी पूरी कर देती है यहाँ पे। सब्जी भी, दाल भी और ये भी और वो भी। इनका मैंने एक निकनेम रखा है, दैट इज चंद्रमा। You know why I call her चंद्रमा? Because हर बेसिक में अब मैं क्योंकि न्यूमरोलॉजी सीख गई हूँ तो मैं लोगों के ट्रेड जो है वो उसके अकॉर्डिंग देखती हूँ। तो हर बेसिक नंबर इज 2, माई मदर बेसिक नंबर इज 2, माई पंजाबी वाली जो चाची ना उनका बेसिक नंबर इज 2। तो ये तीनों मेरे काफी क्लोज हैं और ये इतना खाना खिलाते हैं कि खाने के नाम पर इस तरीके के कि यहाँ तक भर के खिलाते हैं बहुत प्रेम से। तो इनके अंदर भी वही ट्रेट है। शी इज यंग बट स्टिल शी हैज दैट ट्रेट, खाना खिलाओ खाना खिलाओ, ये ऐसे। ओके गाइस, ऑल सेट ऑल रेडी। एक्चुअली मुझे ये टीका निशाने लगाया था उनके घर से आई थी तो। एंड यस, ये पूरा घर आपको दिखाती हूँ। एवरीथिंग इज पैक्ड एंड क्लीन, मतलब सब कुछ क्लीन कर दिया है। किचन भी हमारा एकदम क्लीन है और बेडरूम भी एक है। तो यस, तो स्टेशन जाने से पहले हम लोग जूडियो गए थे, रास्ते में पड़ा था हम लोगों को। तो विक्की को कुछ टी शर्ट्स वगैरह लेनी थी तो वो हम लोगों ने ली है, 3 से 4 टी शर्ट्स ली है, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल गई थी। तो विदिन 5 मिनट्स में हमने शॉपिंग ख़त्म करी है, बिल पे किया है एंड वी आर आउट फ्रॉम द जूडियो स्टोर। जब हम जा रहे थे तो एक कपल आ रहे थे, नीचे उतर रहे थे, वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। तो वी टुक ऑटो, वी डिड शॉपिंग, वी पेड और हम नीचे भी उतर गए। इतना सामान पूरा लेकर के ऑटो के बाद में आ गया। नहीं बाद में नहीं, हमारे बगल में चल रहे थे। विक्की बोलता मैंने इतना शॉपिंग कर ली, पार्किंग में गाड़ी निकाल के यही घूम रहे हो। वो भी 2 व्हीलर है, फास्टेस्ट एंड क्विकेस्ट। ओके गाइस, तो सुबह 6, 6:30 बजे हम लोग भोपाल पहुंचे हैं और इतनी ठंड थी बिकॉज मुंबई से आए ना तुमको और ज़्यादा ठंड लग रही थी। बस हमारी आत्मा हमारे शरीर छोड़ के बाहर नहीं निकली है, बाकी सब हो गया था। मतलब मैं तो बिल्कुल गंदी तरीके से कांप गई थी। तो संक्रांति है आज हमारे यहाँ, संक्रांति पे डोनेशंस होती है। तो ये मेरी मम्मी ने 10 to 15 kgs आटा और बहुत सारा सामान मंगवाया हुआ है। तो इसमें हल्दी कुमकुम का भी सामान है जो लेडीज एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। हाय एवरीवन, सो हम लोग पहुंच गए हैं भोपाल और काफी देर भी हो गई है। आज एक्चुअली संक्रांति है, ये वैसे कल है, टुडे इज 14th of January। सो 8:30 से संक्रांति स्टार्ट हो रही है। तो आज हम लोग एक तो मतलब हमारे फैमिली में तो देखो अपना जो कल्चर ही है, संक्रांति पे होता है ना लेडीज एक दूसरे को हल्दी कुमकुम करके चीजें एक दूसरे से एक्सचेंज करती हैं। कोई किसी को कुछ देता है, कोई किसी को कुछ देता है, ब्लैंकेट्स वगैरह डोनेट करते हैं। तो ये वही है, तो वो आपको करना चाहिए। तो मैं जब मुंबई में थी तो मतलब जो मेरे यहाँ बच्चे आते थे डांस क्लास के, उनकी मम्मियों को ही कैंडल्स दे दिया, ऐसे कुछ जो भी मतलब। अब क्योंकि मुझे इतना डिटेल इन डेप्थ नहीं पता था, बस मम्मी बोल देती थी देना है तो दे देते थे। अब एक्चुअली रीजन पता चला है कि क्यों देना है, क्या देना चाहिए। और एग्जैक्टली क्रांति जो आई है वो बहुत अच्छे दिन आई है, मतलब सैटरडे को आई है। तो नेक्स्ट डेट आने वाली ना, दैट इज 21st January। तो 21st को अमावस्या पड़ रही है, वो भी दिन बहुत अच्छा, और सैटरडे को पड़ रहा है। तो उस दिन भी डोनेशंस करना बहुत अच्छा होता है। मतलब ये एक तरीके की रेमेडी भी होती है, आपको कुछ भी लाइफ में वो है तो एंड ऑल दैट। और वैसे भी इन जनरल भी डोनेशंस करना ही चाहिए। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ब्लैंकेट्स ले रहे हैं, पापा की तरफ से भी ले रहे हैं। मतलब पापा के अमाउंट से मैं कुछ अमाउंट लेके आ गई हूँ और कुछ हमारी तरफ से हम लोग लेकर के आ गए हैं। टुडे सैटरडे, तो कोशिश कर रही हूँ मैं ब्लैक कलर के मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज जो भी मिल जाएगा। तो अभी हम वहीं लेने जा रहे हैं, सिटी जा रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत सारे ब्लैंकेट्स लेने हैं। देखते हैं मतलब वैसे तो हमको क्वांटिटी 50 की थी। तो फिर हम लोग रात में 8:30 का टाइम है, 8:30 बजे से संक्रांति लग जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 8:30 के बाद ही हम लोग निकलेंगे रात में। और जहाँ भी हमको जो भी नीडी पीपल मिलेंगे उनको हम डोनेट कर देंगे। तो हमने सिटी में पहले 2-3 शॉप्स एक्सप्लोर करी किस तरीके की क्वालिटीज़ में अवेलेबल है ब्लैंकेट। तो हम लोगों ने एक शॉप थी जहाँ पर किलो के हिसाब से मतलब तौल करके वो ब्लैंकेट दे रहे थे। तो हम चाह रहे थे कि अच्छी क्वालिटी दे सामने वाले को, कि भाई वो ओढ़े तो उसकी ठंड रुकनी चाहिए, जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व होना चाहिए। बहुत अच्छे कलर्स के अवेलेबल थे। तो मैंने पूरा एक मतलब काफ़ी सारे हम लोगों ने लिए। वहीं पास में एक मंदिर था, वहाँ पर भी दर्शन किए सारे कार में। तब तक विक्की ने जितने भी ब्लैंकेट्स थे वो भरवाए, क्योंकि काफ़ी सारी क्वान्टिटी हो गई थी। गाइस, तो अभी हम लोग निकले हैं और मैंने बताया था ना 8:30 के बाद ही मुझे निकलना था। तो अभी जस्ट निकले हैं देने के लिए। सो कल पापा को हम सुबह लेकर के जाएंगे, उनके हाथ से भी दिलवाएंगे। तो बाकी मैंने अलग कर दिए हैं, जिसमें मैं दे रही होंगी वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। क्रांति स्टार्ट होगी, मतलब अभी लग गई है 8:30 से, बट सुबह का मुहूर्त ज़्यादा मानते हैं। तो हम लोग वही सुबह जल्दी उठ के नहाएंगे, जो दिल्ली होती है उसी का लेप लगा के पानी में डाल करके उससे नहाया जाता है, फिर हवन किया जाता है और फिर खाया जाता है, वैसा होगा। संक्रांति, हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों से मिल रही हूँ हूँ संक्रांति के दिन ही। सो टुडे इज़ 15th of January। तो आज हमने दिन भर टेम्पल्स वगैरह और फिर वही डोनेशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, खाना पीना। तो अभी शाम को हम लोग जा रहे हैं विक्की के फ्रेंड के भाई की शादी। तो विक्की के जो फ्रेंड है राहुल भैया, उनके जिनकी शादी में हम लोग अमृतसर गए थे, पंजाब गए थे, उन्हीं के ब्रदर की शादी है। सो दे आर बेसिकली फ्रॉम भोपाल ओनली, तो भोपाल से ही इस बार शादी है। सो वी आर गोइंग टू अटेंड दैट। आई एम वेरी एक्साइटेड। लाइक राहुल भैया और राधिका, दे आर वन ऑफ माई फेवरेट्स। येस, लेट्स गेट रेडी। रूम बहुत ज़्यादा मैस्डअप है बिकॉज अभी भी जो डोनेशंस का कुछ सामान है वो ये ऐसे पोटली में बंद करके रखा हुआ है। मैं आई हुई हूँ तो बहुत सारे पैकेजेस, पार्सल्स जो रखे हुए थे वो सब मैंने भड़ खोल करके देखे हैं। टू वेयर दिस सूट। अब इससे पहले डेफिनेटली आप मेरा मुंबई वाला ब्लॉग देख ही लोगे और इसके ऊपर ईयरिंग्स भी मैं बताती हूँ। ईयरिंग्स पहनने का सोच रही हूँ इसके ऊपर। तो फेस को बहुत अच्छे से प्रेप कर लिया है। एक बार मॉइस्चराइजर लगा चुकी हूँ, दूसरी बार फिर से मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ क्योंकि इसको लगाए हुए मुझे हो गए हैं 10 मिनट्स, ताकि अच्छे से सिनकिन हो जाए और ड्राइनेस ना रहे बिल्कुल भी स्किन पे। दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग सो मेनी लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर। ओके गाइज, सो शादी से आने के बाद ये कंडीशन हुआ है मेरे सूट का। ये इसको मैं यहाँ से दिखाती हूँ। तो ये पूरा ना, ये दिख रहा है आपको, अस्थि पंजा निकल चुके हैं इसके बिकॉज़ ये बहुत लॉन्ग था और वहाँ गार्डन में ना थोड़ा ये फट भी गया है। ये दिख रहा है, फाड़ भी दिया है मैंने इसको। और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। सो पीछे से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है, दिस इज़ द कंडीशन। ये हालत हो गई है। सैंडल्स में फंस करके ये जस्ट फट गया है। तो अब इसको मुझे ठीक कराना पड़ेगा, आज ले जाऊँगी। आपने देखा मेरे सूट का क्या हाल हुआ है। तो बस अब उसको आज मैं ठीक कराने के लिए डालूंगी। जब कंप्लीट हो जाएगा तब आई डेफिनेटली गोइंग टू शो यू कि अब ये कैसा लग रहा है। सो अमेजन पर ग्रैंड रिपब्लिक डे सेल स्टार्ट हुई है 15th of January से एंड प्राइम यूजर्स को 14th January से अर्ली एक्सेस मिलेगा। सो मैंने सोचा कि मैं कुछ आपको अपने जो फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, मैं वो प्रोडक्ट्स बता रही हूँ जिनको मैंने खतरनाक लेवल पे यूज भी कर लिया है एंड आई रियली लव देम। तो अगर क्योंकि अभी सेल चल रहा है तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बिकॉज वो प्राइस, वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। सो दिस इज अ गुड टाइम कि आप वो प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं। फटाफट से मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से माय फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। नाउ कमिंग टू माय फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस बैग। इस बैग को जितनी बार मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से चिल मारने के लिए गई हूँ, आई कैरीड दिस बैग। अमेजिंग बैग है। इसमें मेरा कैमरा आ जाता है, मेरे दोनों फोन्स आ जाते हैं, वॉलेट आ जाता है, एक छोटी सी बॉटल आ जाती है और छोटा मोटा आप लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट फाउंडेशन, ये सब चीजें भी रख सकते हो। अमेजिंग स्पेस है। पास एक स्लिंग बैग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। लगता बहुत ज्यादा स्मार्ट है ये। वो वाला जो बैग था वो स्लिंग बैग था। उसके बाद नाउ दिस इज द स्मॉल शोल्डर बैग। काफी ज्यादा ट्रेंड में है इस तरीके का बैग आजकल, तो मैंने सोचा चलो लेकर के देखते हैं। दिस इज फ्रॉम दी ब्रांड वैन ह्यूसन। बहुत अच्छे डिस्काउंट पे अभी ये अवेलेबल है अमेजन पर, तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप चेक जरूर करिएगा अगर इस तरीके का आपको बैग चाहिए होगा तो। क्वालिटी बहुत अच्छी है, लगता बहुत स्मार्ट है बिकॉज आजकल इस तरीके के बैग को कैरी करने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। मतलब मैं तो काफी लेट, जब ट्रेंड बहुत लंबा चलता है मैं तभी परचेस करती हूँ, स्टार्टिंग ट्रेंड में एकदम से हॉप अप नहीं करती हूँ। अच्छी है, बहुत सारे ड्रेसेस में बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट। इसको भी मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ एंड काफी कंफर्टेबल है कैरी करने में भी। कमिंग टू माय थर्ड प्रोडक्ट इज दिस। इसके ऊपर मैंने अमेजन शॉर्ट्स भी बनाया था और वीडियो में भी दिखाया था। मैंने ये एक रियल टेक्निक का छोटा सा ब्रश खरीदा हुआ है। दिस इज अ मेकअप ब्रश। तो इससे अब मैं ब्लश लगाती हूँ और इससे मैं कॉम्पैक्ट और साथ ही साथ फाउंडेशन लगाती हूँ। बहुत अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली है। जब से ये आया है मैं इसी ब्रश को यूज कर रही हूँ। क्वालिटी वगैरह में बहुत अच्छा है और धुलता भी बहुत जल्दी है और बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। सो आई रियली लाइक दिस ब्रश। और इस तरीके से एक छोटे से पाउच में आता है। कमिंग टू माय थर्ड प्रोडक्ट इज दिस इज माय थर्ड बॉटल। ये फॉरेस्ट एसेंशियल का फेशियल उपटन सौंदर्य है। जैसे भी विंटर्स चल रही हैं तो रात के टाइम पे मैं एक टाइम तो फेस वॉश करती हूँ क्योंकि क्या होता है, मेकअप लगाते हो तो मेकअप को अच्छे से रिमूव करने के लिए फेस वॉश की जरूरत पड़ती है। बट अगर मैंने मेकअप नहीं लगाया है तो मैं इसको यूज करती हूँ। ये पूरी तरह से बॉटल जो आप देख रहे हो ना खत्म हो चुकी है और मेरी मम्मी ने इसको वॉश भी कर दिया है जस्ट टू रीयूज दिस बॉटल। इसको पूरी तरह से ये खत्म हो चुकी है एंड आई एम गोइंग टू बाय दिस अनदर बॉटल एज वेल क्योंकि फिर से प्राइम सेल्स स्टार्ट हो गया, तो मैं यूजुअली प्राइम पे जो जो भी मुझे बहुत सारे शॉपिंग करना होता है, अच्छी चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं परचेस करती हूँ। तो दिस इज दी नेक्स्ट प्रोडक्ट, अमेजिंग है, यू विल गोइंग टू लव इट, योर स्किन गोइंग टू लव इट। स्किन पे बहुत अच्छा सा सटल ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है इसकी वजह से। कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस प्लम का बॉडी लविंग परफ्यूम्स। तो दिस इज द फर्स्ट परफ्यूम जो मैंने परचेस किया था एंड ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली बॉटल है। उसके बाद मैंने इसका फुल बॉटल मंगवाया है जिसको मैं आधा खत्म कर चुकी हूँ। इसको मैं कहीं भी जा रही होती हूँ तो मैं इसी को लगाती हूँ। ये एक छोटा बॉटल था एंड दिस इज द फुल वर्जन, तो मैंने फुल वर्जन मंगवाया है। अमेजिंग है, यू विल गोइंग टू लव इट। आप इसका किसी भी तरीके का फ्रेग्रेंस मंगवाओ। मेरे को जो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, एक तो वनीला वाइब्स पसंद है, उसके बाद एक मिमोसा करके आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड तीसरे नंबर पर मेरे को वो हवाइन रूम्बा। सबका हवाइन रूम्बा यूजुअली फर्स्ट फेवरेट है बट मेरा थर्ड फेवरेट है। टू द थर्ड प्रोडक्ट इज दिस ब्लिस क्लब फ्लेयर्ड पैंट है। ऑल्दो ये मैंने ब्लिस क्लब से नहीं मंगवाया था बट ब्लिस क्लब पे अमेजन पर ये अवेलेबल है, हर कलर में आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि मैं ट्रैवल काफी ज्यादा कर रही हूँ, भोपाल मुंबई हो रहा है, तो ठंड में भी आई एम कैरिंग दिस, बट दिस इज अमेजिंग, बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्मार्ट लगती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो मैंने ऑर्डर किया है वो है ये, और जो मेरे को बहुत मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है ये, दीज आर द फुटवेयर्स। और आप देखोगे तो ट्रांसपेरेंट में बहुत टाइम से ऐसे न्यूड कलर के जिसमें ट्रांसपेरेंट ऊपर का हो वो देख रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मिल नहीं रही थी बहुत अच्छी। एंड तुक्के में मैंने ये अमेजन से मंगवाई एंड बहुत अच्छी क्वालिटी की आई है, बहुत अच्छी, मतलब इसको मैं वेस्टर्न वेयर्स पे भी पहनती हूँ, इंडियन अटायर पे भी पहनती हूँ। कल ही मैं इसको शादी में पहन करके गई थी, दैट्स वाई पीछे तो बहुत गंदी हो गई, सो आई कैन नॉट शो यू। एंड इवन मैं इसको ड्रेसेस में भी पहनती हूँ, जीन्स में पहनती हूँ, हर तरीके की ड्रेस में इसको पहना हुआ है एंड इट लुक सो अमेजिंग। दूसरी चीज सबसे, लुक तो बहुत दूर की बात है, फुटवेयर में जब आती है बात, ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, हाईली रेकमेंडेड प्रोडक्ट। मतलब लास्ट प्रोडक्ट है वो है कि लिप बाम, फॉरेस्ट एसेंशियल के लिप बाम है, जो मैंने लगाया हुआ है वो यही लगाया हुआ है। इफ यू वांट टिंटेड लिप बाम आप डेफिनेटली ले सकते हैं, काफी अच्छी शीन देता है, काफी अच्छा है और नेचुरल है, सबसे मेन चीज तो ये है। सो दिस इज माय लास्ट प्रोडक्ट। आई हैव गिवन द जेनरिक ऑप्शंस जो सबके लिए ही कॉमन हो, सो दैट्स व्हाई मैंने कोई भी क्लोथिंग ऑप्शंस इस तरीके के टॉप वॉप नहीं रेकमेंड कर रही हूँ या ड्रेसेस रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो करिएगा। मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, चिल देन बाय।